Hello students, welcome to my channel Engineering Education. Please subscribe my channel. Thank you. Welcome to the class of power plant theory. In yesterday lecture we discussed about the analysis of reciprocating compressors with no clearance. Today we are going to start a topic that is reciprocating compressors including clearance. So for this, जब हम क्लियरेंस को इसमें शामिल करते हैं तो हमारे पास जो पी वी डायग्राम है वो भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है. उसमें अगर आपने गौर किया हो तो ये वॉल्यूम जो है ज़ीरो था, क्लियरेंस वॉल्यूम, तो उसमें ये वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे नहीं था, ठीक है. और ये ओवरऑल ये प्रोसेस भी उसमें नहीं थी, सिर्फ सक्शन और कंप्रेशन और डिलीवरी प्रोसेस. इसमें दो चीज़ें ऐड हो जाती है, एक तो क्लियरेंस वॉल्यूम आ जाता है एज ए रिजल्ट, एक ये प्रोसेस भी ऐड हो जाता है. बाकी प्रोसेसेस तकरीबन सेम हैं. फ्रॉम डी टू ए दिस इज़ द सक्शन, फ्रॉम ए टू बी इज़ कंप्रेशन, and from B to C is the delivery, and from C to D is the expansion of the gas. So again these are pleiotropic processes. PV power is equal to constant from A to B and from C to D. Similarly, this is the clearance volume VC, and this is the swift volume from A to C. This is A and this is point C. So from this point to this point we have volume which is called swift volume. अब ये swift volume अगर आप इसको again गौर से देखें तो ये point A है और ये point C है. तो इसका जो difference है VA minus VC, swift volume इस case में किस चीज़ के बराबर है, from the diagram VA minus VC के बराबर है, ठीक है. और जो वॉल्यूम ये इंड्यूस कर रहा है कंप्रेसर, वो कौन सा वॉल्यूम है, दैट इज फ्रॉम डी टू ए, दिस इज द सक्शन वॉल्यूम. तो वो वॉल्यूम इंड्यूस्ड हमारे पास बराबर है वी ए माइनस वी डी, इसके बराबर है. स्विफ्ट वॉल्यूम इसके बराबर है और इंड्यूस्ड वॉल्यूम वी ए माइनस वी डी के बराबर है. असल में लास्ट में इसके बाद हम जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो उसमें ये आपके फिर काम आएंगे, ये छोटे मोटे एक्सप्रेशन डायग्राम से जो अखज़ किए जाते हैं इनको फिर हम यूज़ करेंगे प्रॉब्लम सॉल्यूशन में. सो बाकी ये जो क्लियरेंस वॉल्यूम का कंसेप्ट है आईसी इंजन में भी ये हमने यूज़ किया था. स्विफ्ट वॉल्यूम का जो कंसेप्ट है ये भी आईसी इंजन में हमने यूज़ किया था. एग्जैक्टली कंप्रेसर वो भी रिसिप्रोकेटिंग टाइप आईसी इंजन थे, और ये जो हमारा डिस्कशन चल रहा है दिस इज़ आल्सो अबाउट रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स. फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पे हम इंजन्स की बात कर रहे थे, रिसिप्रोकेटिंग इंजन्स, आईसी इंजन्स, और यहाँ पे हमारे पास रिसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर्स है. तो स्विफ्ट वॉल्यूम वहाँ पे जो मकसद था, उसका जो डिफिनीशन था आईसी इंजन्स के लिए, तो एग्जैक्टली वही मीनिंग आईसी सॉरी इसके लिए भी है जो एयर कंप्रेसर्स के टर्मिनोलॉजीज में हम यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्टली वही चीज़ है. अगर हम मास फ्लो रेट्स को देखें तो हमारे पास ये चार पॉइंट्स हैं, ए बी सी एंड डी. तो इन पॉइंट्स के ऊपर जो मास फ्लो रेट्स हैं उसका सिचुएशन कुछ इस तरह है कि मास फ्लो रेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट पॉइंट बी. इसका मतलब ये है कि मास फ्लो रेट एंटरिंग टू द कंप्रेसर विल बी इक्वल टू द मास फ्लो रेट विच इज़ एग्जिटिंग फ्रॉम द कंप्रेसर. इसी तरह मास फ्लो रेट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट पॉइंट डी. इसका क्या मतलब है, सी डी पॉइंट्स जो है वो यहाँ पे हैं. सो मास फ्लो रेट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट पॉइंट डी.
इसी तरह फर्दर इसको जब हम एनालाइज करते हैं इस पीवी डायग्राम को, तो इसमें हमारे पास जो इंडिकेटेड वर्क है या विच इज़ द इनपुट वर्क टू द कंप्रेसर, उसको अगर हम फाइंड करना चाहें तो एरिया अंडर द कर्व ऑन द पीवी डायग्राम, वो हमारे पास जो नेट एरिया बन रहा है वो ये है, विच इज़ ए एरिया ए बी सी डी. वी आर गोइंग टू फाइंड दिस एरिया. तो ये एरिया हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली जब हम इसको एनालाइज कर रहे थे विद नो क्लियरेंस, तो एग्जैक्टली उसी तरीक़ेकार को हम यूज़ करेंगे. इसके लिए व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड द एरिया ए बी सी डी, तो अगेन हम इसमें दो एरियाज को फोकस करते हैं. वन इज एरिया ए बी ई एफ एंड वन इज एरिया सी ई एफ डी. तो एरिया ए बी ई एफ कौन सा एरिया है फ्रॉम द पी वी डायग्राम? ए बी ई एफ ये वाला एरिया है. अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ पी वी डायग्राम के ऊपर, तो दिस इज द एरिया, ठीक है, ये टोटल एरिया है. तो इसका अगर मैं ये एरिया फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, सो आई विल सब्ट्रैक्ट दिस देन दिस एरिया. फिर मैं एरिया ये वाला एरिया जो इसको मैं क्रॉस से डिनोट करता हूँ ताकि आपको पता चले, ये वाला एरिया मैं इससे निकालूँगा तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा, ठीक है. अच्छा अब जो एरिया ए बी ई एफ है, तो अगेन दिस इज फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का जो एक्सप्रेशन है, कल के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, इफ़ वी राइट इट इन द फॉर्म ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूजिंग द परफेक्ट गेस इक्वेशन, उस फॉर्म में, लेकिन दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया ए बी ई एफ विल बी इक्वल टू एन बाय एन माइनस वन एम डॉट ए विच इज द मास फ्लो रेट एट पॉइंट ए इंटू आर टी टू माइनस टी वन. अगर हम एरिया सी ई एफ डी को देखें तो देट विल बी इक्वल टू, बिकॉज ये अगेन हमारे पास पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के अंडर ये एरिया आ रहा है, तो देट विल बी ऑल्सो एन बाय एन माइनस वन बट एम डॉट डी, मास फ्लो रेट चेंज हो जाएगा, इंटू आर टी टू माइनस टी वन. अच्छा जी, आप इस तरह भी इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने देखा कि मास फ्लो रेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट पॉइंट बी, तो ये मैं एम डॉट बी भी लिख सकता हूँ. इसी तरह एम डॉट डी की जगह मैं एम डॉट सी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट हैं, एक दूसरे के बराबर हैं. सो इंडिकेटेड पावर विल बी इक्वल टू, इसमें जो कॉमन है वो एन बाय एन माइनस वन है और साथ में आर है, ये दोनों कॉमन है. तो इसमें से जब ये मैं कॉमन करता हूँ, साथ में टी टू माइनस टी वन वो भी कॉमन है, सिर्फ ये डिफरेंस आ जाएगा एम डॉट ए माइनस एम डॉट डी. सो एम डॉट ए माइनस एम डॉट डी, अगर आप हम इसको एम डॉट से डिनोट करें, सो दिस इज द मास फ्लो रेट विच इज इंड्यूस्ड टू द कंप्रेसर. दिस डिफरेंस इज बेसिकली द मास फ्लो रेट विच इज इंड्यूस्ड पर यूनिट टाइम, यहाँ पे मेंशन भी है, जो कंप्रेसर सक कर रहा है. ये ए बी सी जो सबस्क्रिप्ट्स यूज किए गए हैं, दीज आर फॉर द रिस्पेक्टिव पॉइंट्स, पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है. इसी तरह फर्दर अगर मैं इस इक्वेशन को किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो आई कैन डू दैट. फर्दर हमारे पास जो स्टैटिस्टिक इक्वेशन ऑफ परफेक्ट गैस है, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, इसके बराबर है ना. तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल एम डॉट, दूसरे फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, एम डॉट वी डॉट हो जाएगा, ठीक है. अगर ये वॉल्यूम फ्लो रेट है तो ये मास फ्लो रेट हो जाएगा, ठीक है, अगर पर यूनिट टाइम में हम बात करते हैं. तो इसी तरह एम डॉट आर टी जो है वो हमारे पास बन जाएगा पी वी डॉट, अगर ये स्टेट वन है तो ये इसके लिए टी वन हो जाएगा,
वी डॉट, अगर ये इसी तरह रिस्पेक्टिवली ये हमारे पास पी वन हो जाएगा, और अगर ये फॉर एग्जांपल स्टेट टू के लिए हम बात करते हैं तो देट विल बी एम डॉट आर टी टू इज इक्वल टू पी टू वी डॉट। तो दोनों स्टेट वन के लिए ये हिसाब होगा, स्टेट टू के लिए ये हिसाब होगा। तो जब हम इस को इक्विवेलेंटली यूज़ करते हैं तो इसमें हम इंडिकेटेड पावर का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह लिख सकते हैं एन बाय एन माइनस वन पी वन वी डॉट इंटू पी टू बाय पी वन पावर एन माइनस वन बाय एन माइनस वन। तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं। फर्दर हमारे पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है विच इज इंड्यूस्ड टू द कंप्रेसर दैट इज इक्वल टू, बाज़ औक़ात हमें ये रिक्वायर्ड होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट गिवन होता है और साथ में दिस इफ रिप्रेजेंट्स द आरपीएम ऑफ या इंजन आरपीएम ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर स्पीड को ये रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज मेजर्ड इन आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो ज़्यादातर बुक्स में अगर आपने गौर किया हो तो इस एफ को एन से डिनोट किया जाता है विच इज़ द स्पीड ऑफ द कंप्रेसर, ठीक है। तो आपकी मर्जी, अगर आप एन यूज़ करना चाहते हैं तो भी ठीक है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू वी डॉट बाय एन या वी डॉट बाय एफ, वेयर एफ एंड एन आर बोथ कंप्रेसर स्पीड विच इज मेजर्ड इन आर पी एम। तो अक्सर ये जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हैं विच इज़ इंड्यूस्ड टू द कंप्रेसर, इसकी यूनिट्स होते हैं क्यूबिक मीटर पर मिनट, और आरपीएम के ये जो कंप्रेसर स्पीड हैं इसके यूनिट्स होते हैं हमारे पास आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं सो फॉर देट ये पर मिनट एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वॉल्यूम का यूनिट रहेगा हमारे पास दैट विल बी वी ए माइनस वी डी, इसका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर पर रिवोल्यूशन, या हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्यूबिक मीटर पर साइकिल, ठीक है। रिवोल्यूशन को रिप्लेस करते हैं साइकिल से, ठीक है। तो ये यूनिट्स कॉमन है कि रिप्रेजेंट करें हम डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स विच इज़ इंड्यूस्ड टू द कंप्रेसर, हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फर्दर ये वी डॉट जो है इसको अगर आप ये अरेंज करें तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। वी डॉट इज इक्वल टू एफ इंटू वी ए माइनस वी डी। तो वी डॉट को अगर हम इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस करें, इस एक्सप्रेशन में डालें, तो हमारे पास ये बन जाएगा पी वन, वी डॉट की जगह ये आ जाएगा एफ इंटू वी ए माइनस वी डी, बाकी एक्सप्रेशन जो है वो हमारे पास सेम रहेगा, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉब्लम अकॉर्डिंगली वी कैन यूज़ एनी ऑफ देम, जो भी एक्सप्रेशन है जो जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन हो तो वो अकॉर्डिंगली हम यूज़ करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 12.4 इज़ रिलेटेड टू अ सिंगल स्टेज डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर is required to deliver 14 cubic meter of air per minute measure at 1.013 bar and 15 degree C. The delivery pressure is 7 bar and the speed of the compressor is 300 revolution per minute. Take the clearance volume as 5% of the swept volume. जो clearance volume की हम बात कर रहे हैं, normally compressors के studies में आप देखेंगे जो यहाँ पे mention है, almost it varies from 2 to 10% डिपेंडिंग अपॉन द डिज़ाइन ऑफ द कंप्रेसर, ये 30% to 35% भी ये क्लियरेंस वॉल्यूम जा सकता है स्विफ्ट वॉल्यूम के 35%, ठीक है। सो विद अ कंप्रेशन एंड री एक्सपेंशन इंडेक्स विच इज एन इज इक्वल टू 1.3 कैलकुलेट द स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, हमने वी एस फाइंड करना है एंड द डिलीवरी टेम्परेचर विच इज टी टू ये फाइंड करना है एंड द इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है। तीन चीज़ें हमने फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सट्रैक्ट द डेटा, द गिवन डेटा इज आपको जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट विच इज़ इंड्यूस्ड टू द कंप्रेसर वो गिवन है, वो है 14 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ठीक है। वी डॉट इज 14 क्यूबिक मीटर
पर मिनट। फर्दर आपको पता है कि वी डॉट जो है वो बराबर होता है एफ इंटू वी ए माइनस वी डी। तो ये हमारे पास 14 क्यूबिक मीटर पर मिनट है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड द स्विफ्ट वॉल्यूम। सो फॉर दैट उसको फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली डायग्राम से लिख सकते हैं, जिस तरह हमने देखा कि डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम एट पॉइंट ए माइनस वॉल्यूम एट पॉइंट सी दैट इज इक्वल टू द स्विफ्ट वॉल्यूम। जिस तरह हमने बिल्कुल स्टार्ट में जिक्र किया कि ये स्विफ्ट वॉल्यूम के बराबर होता है, तो इसमें जो क्लियरेंस वॉल्यूम है यहाँ पे हमें गिवन है कि दिस इज 5% ऑफ द स्विफ्ट वॉल्यूम। तो 5% इज नथिंग बट 0.05 ऑफ वी एस। ठीक है, 5 को आप 100 पे डिवाइड करेंगे यू विल गेट 0.05। सो दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम इज 0.05 टाइम्स वी एस। इसमें जब हम पुट करते हैं इसको, ठीक है, ये वी ए विल बी इक्वल टू वी एस प्लस वी सी हो जाएगा। तो वी एस अपनी जगह पे रह जाएगा, वी सी की जगह हम 0.05 वी एस डाल देंगे। तो हमारे पास वी ए जो है वो बन जाएगा 1.05 टाइम्स वी एस। ठीक है, एक हमारे पास वैल्यू आ गई। अब दूसरा, हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट विच इज़ इंड्यूस्ड वो 14 है, साथ में हमें कंप्रेसर स्पीड भी गिवन है। तो यहाँ से वी ए माइनस वी डी में फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, वी ए माइनस वी डी 14 डिवाइडेड बाई 300, 300 इज द स्पीड ऑफ द कंप्रेसर, साथ में डिवाइडेड बाई 2। वाई बिकॉज दिस इज डबल एक्टिंग, दिस इज डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर। ठीक है, डबल एक्टिंग एयर कंप्रेसर है, तो इस वजह से अगर सिंगल एक्टिंग हो तो फिर हमारे पास ये 1 होगा, अगर डबल एक्टिंग है तो देन हमारे पास ये 2 होगा। ठीक है, सो हमारे पास जो वॉल्यूम इंड्यूस्ड पर साइकिल आ रहा है दैट इज 0.0233 क्यूबिक मीटर पर साइकिल। ठीक है, इसी तरह पॉइंट डी के ऊपर ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फर्दर हमें पॉइंट डी के ऊपर वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है विच इज वी डी इज इक्वल टू वी सी इंटू पी टू बाई पी वन पावर 1/n। फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस देखें, वी नो दैट वी डी इंटू P1 इस तरह मैं लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं अरेंज फॉर्म में लिख लेता हूँ, P1 VD पावर n इज इक्वल टू VC P2 VC पावर n। ठीक है, तो इसको जब मैं VD फाइंड करना चाहता हूँ इसके लिए, तो आई कैन रीअरेंज इट फॉर VD, VD इज इक्वल टू VC इंटू पी टू बाय पी वन इंटू पावर 1/n, इस तरह मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, सो अगेन पुटिंग द वैल्यूज, क्लियरेंस वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो 0.05 टाइम्स ऑफ वी एस है, पी टू की वैल्यू 7 bar है विच इज़ द डिलीवरी प्रेशर, एंड दिस इज द इनटेक प्रेशर पी वन विच इज़ 1.013। ये दोनों वैल्यूज बार में है, there is no need to convert them into Pascal because यहाँ पे अगर आप 10^5 multiply करते हैं तो नीचे भी करेंगे तो आपस में cancel हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है, कोई conversion का कोई फ़ायदा नहीं है। So 1/1.3 where n is 1.3। ठीक है, index जो polytropic index है that is 1.3। तो इससे जो value हमारे पास आती है that is VD। अब हमारे पास VA जो है वो 1.05 टाइम्स ऑफ वी एस है, वी डी की वैल्यू 0.22 वी एस है। और ये फर्दर हमने देखा कि हमारे पास प्रॉब्लम में ये ऑलरेडी हमने फाइंड किया दैट इज इक्वल टू 0.0233। अगर आप ऊपर जाए तो यहाँ पे ये हमने फाइंड किया वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू 0.0233 क्यूबिक मीटर पर साइकिल, तो ये इसके बराबर हो गया। यहाँ से हम अब आसानी से स्विफ्ट वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, 1.05 से 0.221 टाइम्स वी एस निकाल लें तो इससे आता है 0.829। तो इसको रीअरेंज करें एंड सॉल्व इट फॉर वी एस, तो स्विफ्ट वॉल्यूम यहाँ से
फाइंड हो जाएगा, विच इज 0.0281 क्यूबिक मीटर पर साइकिल। सो दिस इज द स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ द कंप्रेसर। अब दूसरा जो हमने फाइंड करना है, दैट इज द डिलीवरी टेम्परेचर। तो डिलीवरी टेम्परेचर का जो एक्सप्रेशन है ऑलरेडी सेम है फॉर द प्रीवियस केसेस, वी हैव आल्सो यूज दिस एक्सप्रेशन। सो T1 हमें पता है, दैट इज 15 डिग्री सी, तो वो आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, दैट इज 288 केल्विन। P2 इज 7 बार, वाइल P1 इज 1.013 बार, while n is 1.3. so solving it for T2 we get the value of temperature which is 450 kelvin, or in degree centigrade it is 177 degree centigrade. ठीक है, third जो हमने find करना है, that is the indicated power. so indicated power दो तरीकों से हम find कर सकते हैं, एक ये expression भी use कर सकते हैं, दूसरा वो जो m dot और r जिसमें involved हैं वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेट सपोज वी यूज दिस एक्सप्रेशन विच इज डिराइव्ड इन इक्वेशन अबव। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है, इन की वैल्यू 1.3 है, 1.3 माइनस 1 0.3 आता है। इसी तरह P1 इज 1.03 इंटू 10^5 कन्वर्टिंग बार इंटू पास्कल। वी डॉट इज 14 डिवाइडेड बाय 60, बिकॉज दिस इज दिस 14 is the value of the volumetric flow rate in cubic meter per minute. तो उसको cubic meter per second में convert करने के लिए 60 पे divide करते हैं, ठीक है। और P2 जो है वो 7 bar है, P1 1.013 bar है, इन की वैल्यू 1.3 है, तो इसको kilowatt में value find करने के लिए we divide it by 1000 factor से divide करते हैं। You can do it later on, बट इस बुक में जो है डायरेक्टली गिवन है, यू कैन कन्वर्ट इट आफ्टर कैलकुलेशन। आप अगर ये ना भी करें तो आपके पास जो है वैल्यू वाट में आ जाएगा, फर्दर आप फिर किलो वाट में चेंज कर सकते हैं। सो द इंडिकेटेड पावर इज 57.6 किलो वाट। दूसरा तरीका जो मैंने कहा आपको कि दूसरा तरीका ये है कि इंडिकेटेड पावर के लिए आप डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इस केस में आपने एक मजीद स्टेप करना होगा, विच इज एम डॉट, ठीक है। बाकी सारी चीजें नॉन है। T2 आपने फाइंड किया हुआ है, विच इज द डिलीवरी टेम्परेचर। T1 गिवन है 15 डिग्री सी, इनकी वैल्यू भी गिवन है, सिर्फ एम डॉट अननोन है। तो एम डॉट इज द मास फ्लो रेट, वो आप फाइंड करेंगे। एक स्टेप इसमें ये मजीद आ जाता है, अगर आप ये एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है, जो P1 वी डॉट वाला एक्सप्रेशन है इंडिकेटेड पावर का, तो उसमें आपको मजीद किसी वैल्यू को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे बेहतर ये है कि आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करें, लेकिन अगर आप जो है आप ये वाला यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन डू दिस। अब मास फ्लो रेट जब आप फाइंड करते हैं तो उसके लिए वही करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप यूज़ कर सकते हैं, PV = MRT वाला, ठीक है। इसको ये मास फ्लो रेट में बनाता हूँ, इसको मैं वी डार्क बनाता हूँ, तो मास फ्लो रेट के लिए जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इट विल बी इक्वल टू P1 वी डॉट ओवर RT1, ठीक है। तो ये P1 इज 1.013 बार, वी डॉट इज 14, ये पास्कल में कन्वर्ट किया गया है, और दिस इज द वैल्यू ऑफ R विच इज 0.287 किलो जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। दिस इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड T1 विच इज इन केल्विन, दिस इज 288। इसी तरह 1000 पे डिवाइड किया गया है टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम पर मिनट। सो आपके पास जो है वैल्यू आ रही मास फ्लो रेट की 17.16 किलोग्राम पर मिनट। जी सर, ये मास फ्लो रेट इक्वल रहता है यूज और डिलीवरी? हाँ बिल्कुल सेम रहता है। दूसरे फॉर एग्जांपल में दूसरे एक्सप्रेशन से इसको फाइंड करना चाहता हूँ, तो आई कैन डू दिस लाइक दैट, एम डॉट इज इक्वल टू P2 वी डॉट बाय RT2। ये तरीका भी मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये दोनों सेम रहते हैं। बिल्कुल स्टार्ट में हमने कहा कि मास फ्लो रेट एट पॉइंट ए इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट पॉइंट डी, इसी तरह मास फ्लो रेट एट पॉइंट सी इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एट पॉइंट डी। तो ये आपके पास ये सिचुएशन ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो दोनों तरीकों से आप इसको फाइंड कर, मास फ्लो रेट सेम रहता है, इंड्यूस्ड
और डिलीवर्ड बोथ। तो इससे भी हमारे पास यही 57.6 किलोवाट वैल्यू आ रही है। देयर इज नो वेरिएशन इन द रिजल्ट्स। इंडिकेटेड पावर फर्स्ट केस में भी 57.6 किलोवाट आ रहा था और इसमें भी हमारे पास 57.6 ही आ रहा है। अच्छा जी, जो ये डिस्कशन चल रहा है और हमारे पास जो इंडक्शन है और डिलीवरी है कंप्रेसर का, वो बिल्कुल आइडियल सिचुएशन हमने ली है। एक्चुअली जो होता है हमारे पास इंडक्शन और डिलीवरी, तो हमारे पास ये पीवी डायग्राम कुछ इस तरह होता है। जो इंडक्शन फ्रॉम डी टू ए प्रोसेस है वो कुछ इस तरह नज़र आता है, और जो डिलीवरी साइड है फ्रॉम बी टू सी वो कुछ इस तरह नज़र आता है। ठीक है, ये ड्यू टू वेल एक्शन ये मॉडिफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह नज़र आते हैं। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी इसमें आती है इस तरह इंडक्शन और डिलीवरी में। तो हकीकत में प्रोसेस जो है इस तरह डायरेक्टली कांस्टेंट टेम्परेचर या कांस्टेंट प्रेशर लाइंस नहीं होते, बल्कि इसमें इस तरह वेरिएशन आते हैं। ठीक है, रियल प्रोसेस जितने भी होते हैं वो रिवर्सिबल प्रोसेस से मुख्तलिफ होते हैं। अच्छा जी, अनदर टर्म विच इज़ वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी, इसको हमने अगर आपको याद हो तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी को हमने आईसी इंजन्स के टर्म्स में भी डिफाइन किया था। वी कैन आल्सो डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी फॉर द रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स। दो तरीकों से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कंप्रेसर्स के लिए। एक जो है, अगर हम इसको मास के साथ लिंक करें तो डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा हम इसको अगर वॉल्यूम के साथ लिंक करें तो भी डिफाइन कर सकते हैं। सो द वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी इज द मास ऑफ द गैस डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द गैस व्हिच वुड फिल द स्विफ्ट वॉल्यूम एट द फ्री एयर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। फ्री एयर कंडीशंस जो हैं, नॉर्मली जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर होता है, उसी को फ्री एयर कंडीशंस कहते हैं। इसी तरह दूसरा, अगर हम वॉल्यूम के फॉर्म में इसको डिफाइन करें, सो वी कैन आल्सो डिफाइन इट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिलीवर्ड मेजर एट द फ्री एयर प्रेशर एंड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो इसको फर्दर मजीद हम थोड़ा सा देखते हैं। इसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा हम इसको डिराइव करना चाहते हैं कि हमारे पास अगर इसको हम फाइंड करना चाहें एक्सप्रेशन से तो किस तरह करेंगे। वी नो दैट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द गैस दैट इज पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, तो एम विल बी इक्वल टू पी वी बाय आर टी। तो अगर मैं स्विफ्ट वॉल्यूम के लिए इसको करता हूँ तो इट विल बी एम एस इज इक्वल टू पी वी एस बाय आर टी। ठीक है, अगर सिंपल वॉल्यूम के लिए करता हूँ जिस तरह यहाँ पे मेंशन है तो इट विल बी लाइक दिस। तो वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी जो है वो आपके पास आ जाएगी एम बाय एम एस अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन नंबर वन। तो एम जो है वो पी वी बाय आर टी है और एम एस जो है वो है पी वी एस बाय आर टी। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आर टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ वी बाय वी एस रह जाएगा, विच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द डिफिनीशन नंबर टू। ठीक है, डिफिनीशन नंबर टू के बिल्कुल जो डेराइव्ड फॉर्म है उसी के बराबर है। अच्छा जी, यहाँ पे एक और टर्म आप देखेंगे बार बार, ये आपको नज़र आएगा एफ ए डी का, जो कि प्रीवियस केसेस में भी आपने एग्जांपल्स के अंदर देखा होगा, फ्री एयर डिलीवरी। फ्री एयर डिलीवरी जो है आपके पास, दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर डील विद पर यूनिट टाइम बाय एन एयर कंप्रेसर इज कोटेड एज द फ्री एयर डिलीवरी एंड इज द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो डिलीवर्ड मेजर एट द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर इन विच द मशीन इज सिचुएटेड। फ्री एयर डिलीवरी हमारे पास वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हैं जो कि कंप्रेसर डिलीवर करता है एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जो जिस सिचुएशन में वो फिट होता है वो कंप्रेसर, उसी सिचुएशन के अंदर
जो प्रेशर टेम्परेचर है उस सिचुएशन में जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वो डिलीवर कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्री एयर डिलीवरी। ये फ्री एयर डिलीवरी जहन में याद रखें, ये बार बार फ्री एयर कंडीशन और फ्री एयर डिलीवरी, ये दो अल्फाज ऐसे हैं जो कि बार बार आपको नज़र आएंगे, ठीक है। सो द वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी जो है वो द रेशो ऑफ द वॉल्यूम डिलीवर्ड डिवाइडेड बाय द स्विफ्ट वॉल्यूम, तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फर्दर हम लिख सकते हैं कि जो वॉल्यूम इंड्यूस्ड हैं फ्रॉम द पी वी डायग्राम वो वी ए माइनस वी डी के बराबर हैं। फर्दर वी ए जो है हमारे पास बराबर है वी एस प्लस वी सी, विच इज़ द समेशन ऑफ स्विफ्ट वॉल्यूम एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम फ्रॉम दिस डायग्राम। अगर आप चेक करें तो वी ए जो है आपके पास बराबर है वी एस प्लस वी सी के, ठीक है। एंड दिस वी डी, ये आपके पास ये वाला वॉल्यूम है जो पॉइंट डी तक जो वॉल्यूम है, दिस इज वॉल्यूम वी डी, ठीक है। तो ये डिफरेंस यहाँ से आप देख सकते हैं कि वी सी कौन सा वॉल्यूम है, दिस इज़ द क्लियरेंस वॉल्यूम, वी एस कौन सा वॉल्यूम है, दिस इज़ द स्विफ्ट वॉल्यूम, एंड वी डी इज़ द वॉल्यूम अप टू पॉइंट डी। तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन वॉल्यूम इंड्यूस्ड के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि वी एस प्लस वी सी माइनस वी डी। फर्दर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि जो वी डी और वी सी का आपस में रिलेशनशिप है, जिस तरह हमने एग्जांपल में भी देखा, वो है वी डी बाई वी सी इज इक्वल टू पी टू बाई पी वन पावर वन ओवर एन। तो वी डी के लिए अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये वी सी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब अगेन ऊपर वाला एक्सप्रेशन जो है वी एस प्लस वी सी माइनस वी डी था, तो वी डी को जो है वो मैंने रिप्लेस कर दिया इस एक्सप्रेशन से, वी सी इंटू पी टू बाई पी वन पावर वन ओवर एन। इसमें से अगर आप देखें तो वी सी दोनों में कॉमन है इस एक्सप्रेशन के अंदर, तो वी सी को जब कॉमन किया गया इसमें से तो आपके पास ये रह जाता है पी टू बाई पी वन पावर वन ओवर एन माइनस वन, ठीक है। वी सी को कॉमन किया गया तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। अब अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन जो एक्सप्रेशन में गिवन था 12.15 जिसमें वॉल्यूम की बात थी, द वॉल्यूम इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय द स्विफ्ट वॉल्यूम, तो वो जो वॉल्यूम इंड्यूस्ड है या डिलीवर्ड है वो बराबर है वी एस माइनस वी सी इंटू पी टू बाई पी वन पावर वन ओवर एन, मतलब इसके बराबर है, वो एक्सप्रेशन लिख दिया गया यहाँ पे, डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम। तो इसको सिंप्लीफाई करके द एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी इज दिस, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। लेकिन एक चीज़ इस एक्सप्रेशन में है कि इसमें जो एंटिक सक्शन कंडीशंस हैं वो इग्नोर किए गए हैं, ठीक है। ये याद रखें कि हमारे पास जो कैलकुलेशन में अगर हम ये डायरेक्टली यूज़ करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो ज़्यादा आएगा, वो इनकरेक्ट होगा। तो अगर सक्शन कंडीशन और फ्री एयर कंडीशन वो सेम हो तो फिर तो आप ये एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर फ़र्क हो दोनों में, सक्शन कंडीशन और जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसमें फ़र्क हो, तो उसमें फिर आप ये डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए फिर आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे जिसमें फर्स्ट यू विल फाइंड द फ्री एयर डिलीवरी एट द गिवन जो सक्शन कंडीशंस है, फॉर एग्जांपल प्रेशर पी वन है और टेम्परेचर टी वन है, तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द फ्री एयर डिलीवरी, ठीक है, जिसमें मास फ्लो रेट फॉर द फ्री डिलीवरी एंड द मास फ्लो रेट फॉर द इंड्यूस्ड वॉल्यूम। तो इनको आपस में जब इक्वेट करेंगे, ठीक है, ये आपस में इक्वेट करेंगे तो ये आर आर आपस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो एक्सप्रेशन है वो सेम रहेगा, वी ए माइनस वी डी अपनी जगह पे रह जाएगा, इसी तरह टी जो है ये टी इधर आ जाएगा, पी वन जो है बिल्कुल न्यूमरेटर में है ये यही पे रहेगा, इसी तरह ये प्रेशर जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो और साथ में टी वन अपनी जगह पे रह जाएगा। सो दिस विल बी द फ्री डिलीवरी पर साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेसर व्हाइल द सेक्शन कंडीशंस आर प्रेशर इज़ पी वन एंड टेम्परेचर इज़ टी वन। इसको बेहतर फॉर्म में समझने के लिए व्हेन वी ट्राई एग्जांपल 12.5
तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि किस तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल जी देखें, जो फ्री एयर डिलीवरी का कंसेप्ट है वो कंप्रेसर्स के स्टडीज़ में बिल्कुल वाज़ह तौर पे बुक में भी लिखा गया है, ऊपर अगर आपने गौर किया हो। वेट, थोड़ा सा मैं खैर दोबारा उसी स्टेटमेंट के ऊपर चला जाऊंगा ताकि ये द वॉल्यूम ऑफ एयर डील्ड विद पर यूनिट टाइम बाय एन एयर कंप्रेसर इज कोटेड एज द फ्री एयर डिलीवरी एंड इज द रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो डिलीवर्ड measured at the pressure and temperature of the atmosphere in which the machine is situated. जिस से अब मैं थोड़ा सा इसको आसान अल्फाज में आपको कह देता हूँ, एक कंप्रेसर इंस्टॉल्ड है एटमोसफेयरिक टम्परेचर प्रेशर के ऊपर, एक ख़ास लोकेशन के ऊपर फिट हैं, जिस सिचुएशन में ये वॉल्यूम डिलीवर कर रहा है दैट वॉल्यूम फ्लो रेट इज़ बेसिकली द फ्री एयर डिलीवरी। इसका यूनिट भी एग्जैक्टली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बराबर है, दैट इज़ क्यूबिक मीटर पर मिनट या क्यूबिक मीटर पर सेकंड, आपकी मर्जी। अगर पर सेकंड में मेजर करना चाहते हैं तो भी ठीक है, अगर पर मिनट में करना चाहते हैं तो भी ठीक है, दोनों ठीक है। एग्जाम्पल 12.5 से मज़ीद क्लियर हो जाएगा आपका ये जो क्वेश्चन था। A single stage double acting air compressor has free air delivery of 14 cubic meter per minute. देखिए units exactly वही है, measured at 1.013 bar and 15 degrees C. बिल्कुल जो free air condition है उसी के ऊपर ये उसकी free air delivery है compressor की। The pressure and temperature in the cylinder during induction. अब देखें situation change हो गया, induction temperature और pressure change है free air condition से, वो है 0.95 बार, ठीक है, एंड 32 डिग्री सेंटीग्रेड T1। द डिलीवरी प्रेशर इज 7 बार, P2 इज 7 बार, एंड द इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन एक्सपेंशन N इज इक्वल टू 1.3। कैलकुलेट द इंडिकेटेड पावर रिक्वायर्ड एंड द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। इंडिकेटेड पावर फाइंड करना है एंड द वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 5% ऑफ द स्विफ्ट वॉल्यूम। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, इंडिकेटेड पावर एंड वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। तो अगर अगेन हम जो है इस तरह करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एग्जांपल, ठीक है, इसमें से आप जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिखते हैं। आपको फ्री एयर डिलीवरी गिवन है 14 क्यूबिक मीटर पर मिनट, प्रेशर इज़ पी इज 1.013 बार, वेयर टी इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, पी वन इज 0.9 बार, T1 is 32 degree centigrade, P2 is 7 bar, N is 1.3, while clearance volume is 0.05 times of the swept volume. ठीक है, ये information आप लिख के फिर indicated power और swept volume find करना है। तो first of all you should identify कि हमारे पास indicated power के लिए मैं कौन सा expression use कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपने directly suppose आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना चाहते हैं इंडिकेटेड पावर फाइंड करने के लिए, तो इसमें आपको जो इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रॉब्लम में वो फर्स्ट आइडेंटिफाई करें। T2 टेम्परेचर मिसिंग है वो आप फाइंड करेंगे इसमें, T1 गिवन है, और मास फ्लो रेट मिसिंग है वो आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मास फ्लो रेट जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम द प्रीवियस केसेस, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया, विच इज़ P1V dot डिवाइडेड बाय RT, ठीक है, उसी से आप ये फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ 17.16 किलोग्राम पर मिनट। प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने M dot इसी तरह फाइंड किया था और एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा था, क्योंकि उसका जो फ्री एयर डिलीवरी है उसका और इस प्रॉब्लम का वो सेम है, 14 क्यूबिक मीटर पर मिनट उसमें भी था और इसमें भी, तो मास फ्लो रेट भी सेम वैल्यू आ रहा है उसका। इसी तरह डिलीवरी टेम्परेचर जो है वो 15 डिग्री सॉरी उसको फाइंड करने के लिए ये वाला एक्सप्रेशन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, इस केस में T1 गिवन है, दैट इज़ 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सी को आप केल्वन में कन्वर्ट करें 305 केल्वन आता है, P2 इज 7 बार वाइल P1 इज 0.95 बार। तो इसको सिंप्लीफाई करके वी गेट द वैल्यू ऑफ डिलीवरी टेम्परेचर विच इज़ 483.6 केल्वन।
मास फ्लो रेट फाइंड हो गया, टी टू फाइंड हो गया, नाउ पुट दीज वैल्यूज इन द इंडिकेटेड पावर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जब इसमें हम पुट करते हैं अगेन, जो वॉल्यूम मास फ्लो रेट है वो किलोग्राम पर मिनट में है, तो इसको आप पर सेकंड में चेंज करेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड इन वाट, एंड वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, तो इसको 60 पे हम डिवाइड करेंगे तो तब जो है ये हमारे पास वैल्यू वाट में आएगी। ठीक है, मज़ीद 1000 के ऊपर आप इसको डिवाइड करें तो दिस विल बी 63.5 किलो वाट, किलो वाट में फाइंड करने के लिए हम इस तरह लिख सकते हैं। फर्दर वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी को फाइंड करने के लिए हम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे। एक एक्सप्रेशन ये है कि वी ओवर वी एस, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन डायरेक्टली जिस तरह मैंने आपको कहा जो हमने डिराइव किया, एक एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, अब सही कौन सा है इसमें? फर्स्ट वन। वाई? क्योंकि जो कंडीशंस है वो हम मद्देनज़र रख के वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी को फाइंड करते हैं। वॉल्यूम इंड्यूस्ड वी ए माइनस वी डी जो है वो बराबर है वी एस माइनस 0.232 ऑफ वी एस विच इज़ कैलकुलेटेड इन द प्रीवियस प्रॉब्लम। ठीक है, 1.05 टाइम्स ऑफ वी एस इज इक्वल टू वी ए माइनस 0.232 वी एस, तो इसका डिफरेंस जो है वी माइनस वी डी का वो आ रहा है 0.818। ठीक है, विच इज़ बेसिकली द फर्दर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्री एयर डिलीवरी, जिस तरह हमने एक्सप्रेशन देखा कि हमारे पास फ्री डिलीवरी पर साइकिल हम फाइंड कर सकते हैं वी ए माइनस वी डी इंटू टी पी वन टी वन बाय पी। ठीक है, वेयर टी एंड पी आर द फ्री एयर कंडीशंस एंड पी वन एंड टी वन आर द इंडक्शन कंडीशन या सक्शन कंडीशन। तो वो हमने देखा वी ए माइनस वी डी हमने फाइंड किया ऊपर 0.818 टाइम्स वी एस। टी टेम्परेचर जो है वो हमारे पास 15 डिग्री सी है, तो केल्विन में 288 बन जाएगा। टी वन इज़ द 32 डिग्री सेंटीग्रेड 305 केल्विन, पी वन इज़ 0.95 बार और पी जो है वो 1.013 बार था, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 0.724 टाइम्स वी एस। अब ये वॉल्यूम जो है ये आपके पास जो डिलीवर्ड वॉल्यूम है विच इज़ द फ्री एयर डिलीवरी पर साइकिल वो इसके बराबर हैं डिवाइडेड बाय स्विफ्ट वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी का जो डिफिनीशन है वो है वॉल्यूम डिलीवर्ड, ठीक है, बाय द कंप्रेसर विच इज़ फिटेड सम एप्लीकेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय द स्विफ्ट वॉल्यूम। तो ये जब इसका रेशो हम लेते हैं तो आपस में ये कैंसिल हो जाएगा वी एस, ठीक है, इससे जो वैल्यू आ रही है 72.4% आ रही है। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करें विच इज़ ऑलरेडी डिराइव, ये वाला यूज़ करें तो इसके ऊपर जब हम कैलकुलेशन करते हैं हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी जो है 81.8% आ रही है। तो देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज़, सो बिकॉज द लेटर आंसर यहाँ पे रीज़न लिखा गया है, सिंस द लेटर आंसर इग्नोर्स द डिफरेंस इन टम्परेचर एंड प्रेशर, इसमें वो जो प्रेशर और टम्परेचर में डिफरेंस है वो इग्नोर कर रहा है बिटवीन द फ्री एयर कंडीशंस एंड द सक्शन कंडीशंस। ये उन केसेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, उन केसेस में यूज़ करेंगे अगर आपके पास सक्शन कंडीशंस और फ्री एयर कंडीशन सेम हो। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये पी वन पी के बराबर हो और टी टी वन के बराबर हो, तब ये एक्सप्रेशन आप वॉल्यूमेट्रिक इफिशेंसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल डू दिस दी स्टेप्स, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करना होगा, ठीक है, अगर आपके पास दोनों कंडीशन सेम नहीं है, फ्री एयर कंडीशन और सक्शन कंडीशन, तो देन यू विल यूज़ दी स्टेप्स टू फाइंड द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, उसके लिए आप ये स्टेप्स यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर्स विथ क्लियरेंस। इसके बाद जो टॉपिक है वो मल्टी स्टेज कंप्रेशन है। आई होप यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द
मल्टी स्टेज कंप्रेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू वीडियोज।